हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मरियम और मैं आज आई हूँ आपसे बात करने बिग बॉस के आज के एपिसोड के बारे में जो कि डे 4 है। बहुत अमेजिंग था ये एपिसोड, मज़ा आया देखने में किस तरह से बैंड बजाई है बिग बॉस ने शालीन की। मतलब कितना झूठ वो बोल रहा था मेकर्स के नाम पे और खुद को उसको हिम्मत नहीं थी बोलने की अपने नाम पे, तो दूसरों का नाम लेके बोल दिया। यूजुअली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मतलब ये करते हैं किसी और का नाम ले लो ताकि खुद बच जाओ, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में भी इस तरह के डरपोक लोग होते हैं लाइफ में जो दूसरों को ब्लेम डाल दो और खुद अपनी जान छुड़ा लो चीज़ों से। तो मेजॉरिटी इस लेवल की होती नहीं है ज़्यादातर लोगों में। तो मज़ा आया देख के बिग बॉस ने मतलब बहुत अच्छी चीज़ें मतलब क्लियर किया। और जो सुजीता क्या नाम है सिर्फ इसका ही नाम मुझे याद नहीं हो रहा, बाकी सबका नाम मुझे याद हो गया अब इस एपिसोड के बाद। लेकिन क्या नाम है आप मुझे एग्जैक्टली बताएं कि क्या आप प्रोनाउंस करते हैं, सुजीता या सुजीता पता नहीं क्या इस तरह से ही नाम है। पर वो मुझे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और अच्छी लग रही है, मुझे स्ट्रॉन्ग भी लग रही है, लग रहा है कि एंड तक जाएगी क्योंकि बहुत स्ट्रेट होके बात करती है, तो मज़ा आता है उसको देखने में। इसके अलावा स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड का। तो स्टार्ट में जो प्रियंका को लेके बिग बॉस ने चीज़ करवाया कैप्टन से, वो बहुत अच्छा करवाया क्योंकि बहुत गलत मुझे भी लगा कि प्रियंका बहुत ज़्यादा ही सही नहीं लग रही है मुझे। मुझे प्रियंका अच्छी नहीं लग रही है, खुद को अच्छा जो बताते हैं ज़्यादा करके वो ऐसे ही होते हैं, ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है ऐसे। तो ये मुझे सही लग रहा है कि हम सही बताया बिग बॉस ने, बिल्कुल सही किया कि एक को हटा के और मान्या जैसे हट गई और उसकी जगह प्रियंका कोई काम करने को बिग बॉस ने ही कह दिया। तो ये अच्छा किया, बहुत अच्छा अच्छा बनने का शौक हो रहा है उसको, जबकि दिख वो नहीं रही है अच्छी और बहुत ज़्यादा ही अजीब और बहुत कनिंग दिखती है मुझे वो, तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही है वो एज अ पर्सन। बाकी इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा जो सौंदर्या और जो शिव का झगड़ा हुआ वो मतलब दोस्तों में हो जाता है तो वो मुझे ठीक लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, छोटा मोटा है वो सॉल्व हो ही जाता है, इस तरह की चीज़ें तो हो जाती हैं नॉर्मली भी घरों में भी, तो वो ठीक लगा मुझे। इसके अलावा जो मुझे लगा वो अब्दू मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ अब्दू ही जीते, कितना मतलब बहुत ही अच्छा ह्यूमन है वो, एंटरटेनमेंट को ही मतलब फोटे रखा है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ भी कर रहा था उसमें काफ़ी एंटरटेनमेंट है, चाहे वो कैमरे से बात करना हो, चाहे 2KG वेट भिजवाने का कहना हो, चाहे मतलब जो भी करना हो, तो एक अच्छा मुझे लग रहा है अब्दू का। और मुझे लगता है वह एंड तक जाएगा क्योंकि एंटरटेनमेंट फैक्टर बहुत है उसमें, बस वो मतलब झेल सके बिग बॉस की चीज़ों को तो एंड तक मतलब शायद चला जाए वो। और इसके अलावा MC स्टैन है वो भी बहुत अच्छा है, पर इस एपिसोड में देखा कि वो घर जाना चाह रहा है, तो आई होप कि वो ना जाए घर और हमें उसको देखने को मिले कि स्टार्ट के दिन है तो शायद वो एडजस्ट होने में, और शायद वो उतना जल नहीं हो रहा जितना बाकी लोग जल हो रहे हैं। और इसके अलावा जो मुझे बहुत कनिंग लग रहे हैं वो गौतम, टीना, साजिश खान, इसके अलावा ये शालीन, बहुत मतलब ये टॉप मतलब ये फाइनलिस्ट होने वाले हैं जिस तरह से मतलब इनका नेचर है, लेकिन ये कि अच्छे नहीं है बाय नेचर, तो होपफुली इनमें से कोई ना जीते। फिर मुझे एक मानिया अच्छी लगती है, मुझे जो अर्चना है वो मतलब चिल आउट पर्सन है, उल्टा सीधा भी कैरी होती है, पर ये कि मतलब वो चालाक नहीं है मतलब अच्छी है दिल की, तो वो मुझे मतलब ठीक लगती है उसकी पर्सनैलिटी पर। लेकिन मुझे जो टीना, शालीन और इनका जो ग्रुप है ये मुझे बहुत बुरा लगता है, जो कैप्टन भी इनके ग्रुप में है मुझे इनका ग्रुप अच्छा नहीं लग रहा कि मतलब जो चिकन था तो वो शालीन को देगा, अब उसको सबसे ही प्रोटीन मिल सकता है, वो काफ़ी सारे ग्रेन्स भी होते हैं जिसमें प्रोटीन होता है, तो मुझे सही लगा कि अगर जो भी राशन है, वैसे तो मैं वीगन हूँ पर मेरे हिसाब से भी जो भी राशन है वो सब मैं इक्वली बटना चाहिए,
वो मुझे गलत लग रहा था और बिग बॉस ने फिर उसको क्लियर भी कर दिया शालिन को बुला के। बहुत स्मार्ट मूव कर रहा था वो, सब मेकर्स भी डाल के और ऐसे, तो अच्छा किया बिग बॉस ने। और उस पर जो सुजीता ने सब बाहर आके सबको बताया वो भी एक अच्छा था, वो अच्छी लग रही है मुझे। इसलिए अब मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि टीना और अगर सुजीता उसकी नहीं बनती है तो, क्योंकि वो टीना बहुत ज़्यादा मतलब बैक स्टेप पे बैक मतलब बैक पे रह के सारे मतलब खेल खेलना पता पे बैक मतलब बैक पे रह के सारे मतलब खेल खेलना पसंद करती है, जबकि सुजीता जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो वो अच्छी लग रही है। उसके अलावा मुझे लग रहा है कि साजिद खान जो है वो भी जैसे है बच्चों में बन के नहीं आ रहे, जैसे कि शालीन कर आज बिहेवियर था साजिद खान के साथ, इतना बड़ा आदमी कभी भी ऐसी बात नहीं कर सकता था शालीन अगर बाहर होते साजिद खान तो वो बहुत मेरा अच्छा लग रहा है, फेक फेक लग रहा है, इतना कोई अच्छा होता नहीं है। इसके अलावा जो साजिद खान का शो था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, सबके बारे में बिल्कुल सही कहा और शालिन के बारे में भी बहुत अच्छा कहा, मतलब सही लिरिक्स लिखे, पर थोड़ा सा बच बच के चले साजिद खान भी, क्योंकि और भी रहते हैं साथ में तो काफ़ी आप समझ लेते हैं लोगों को, तो वो और भी अच्छा कह सकते थे, लेकिन शायद कम टाइम था और थोड़ा शुक्र को तो रखना पड़ता है सबको, तो शायद इसलिए इतना वो सबका डेल वो नहीं कर सके, लेकिन कोई भी जो भी था अच्छा था। मुझे MC स्टैंड का अच्छा लगा और मुझे अब्दू का अच्छा लगा और टीना को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वो चढ़ाया तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मानिया ने सही कहा, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है मानिया, हो सकता है वो कुछ कुछ चीज़ों में गलत है लेकिन वैसे ओवरऑल मुझे बेहतर लगती है बाकी लोगों ने, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो भी एंड तक जाएगी अगर अच्छा खेला उसने तो। आदित्य आने वाले दिन में आप लोगों को कौन अच्छा लग रहा है और कौन आप लोगों को फाइनलिस्ट लग रहा है, अभी से आपको ऐसा मतलब क्या फील आ रहा है मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा जो अंकित है वो मुझे चुप है, पर मुझे लगता नहीं है कि वो इतना सीधा है जितना वो शो कर रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें पता चले, अगर तो आने वाले दिनों में हमें पता चले तो देखते हैं, क्योंकि वो बस खामोश रहता है तो वो समझ नहीं आ रही पर्सनैलिटी में भी। और मुझे गौतम बहुत गंदा लगा, मुझे शालीन बहुत गंदा लग रहा है, मुझे टीना बहुत गंदी लग रही है और मुझे साजिद खान बहुत गंदा लग रहा है, क्योंकि असल बिहेवियर नहीं है ये उनका, किसी का भी नहीं हो सकता असल बिहेवियर अगर मतलब कोई भी जैसे मिसबिहेव करे तो। सभी मतलब थोड़ा एक्टिव बिहेव कर रहे हैं, लेकिन साजिद खान का बिहेवियर थोड़ा मतलब बहुत काम कंपोज है, खुद को वो बाहर से वो करके आए होते तो चाहे कोई कुछ भी कर ले वो मतलब सुपर कूल और पॉजिटिव दिखेंगे, तो वो सब में जब सा लग रहा है शो का इमेज क्लियर करने के लिए, तो वो मुझे नहीं ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग लग रहा है। आपको क्या करना है मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। और मुझे शालिन के लिए उन्होंने जो कहा ब्रज थी तो कहा शालिन के लिए और मान्या के लिए और इवन प्रियंका के लिए, प्रियंका और तंदी मुझे लगती है, पर जो भी साजिद खान ने उनके बारे में कहा वो ब्रश थी उनके दिल में तभी कहा वरना नहीं कहते वो भी, तो ये सही फैक्ट है ये एक। और मुझे सही लगा कि प्रियंका ने जो साजिद खान को क्लियर किया कि टीना को इतना मत चढ़ाओ, इसलिए उसने भी जो कहा कि मैं क्या उसने क्या कहा कुछ ऐसे उसने कहा अपने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, तो वो मुझे सही लगा क्योंकि आप किसी को छोटा नहीं दिखा सकते किसी एक के आगे ना, तो वो मुझे सही लगा रानी का जो भी था। और मुझे बहुत फन लविंग लग रही है प्रियंका भी, प्रियंका ने अर्चना अर्चना बहुत फन लविंग है, सुम्बुल मुझे सही लग रही है, सुम्बुल मुझे मतलब सबसे यंगेस्ट है पर मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही है अभी इस एपिसोड के बाद से, पर ठीक है बुरी नहीं है तो फाइनलिस्ट बन सकती है वो। और मुझे लगता है कि जो ये सुजीता है ये फाइनलिस्ट होगी, अच्छा मतलब अच्छा एक कॉम्बिनेशन है सुजीता का कि वो मतलब
अपना ओपिनियन बहुत क्लियरली रख देती है, डरती नहीं है किसी से, तो वो मुझे अच्छी लग रही है। ऐसा लगता है कि वो एंड तक जाएगी पर इस तरह के एटीट्यूड के साथ। आपको तो क्या कहना है मुझे बताएं, एंड आपको मेरी कैब कैसी लगी ये मुझे बताइएगा। मैंने सोचा मैंने नई कैब ली है तो मैं इसके साथ आज रिव्यू करती हूँ, तो आप मुझे बताएँ कॉमेंट सेक्शन में। एंड आज के एपिसोड में बस इतना ही था। अच्छा एपिसोड और कल का भी अच्छा आने वाला है, जिसमें वो इंटरनेट सेंसेशन है कोई वो आ रहे हैं, तो वो अच्छा मुझे लगा और अच्छा था जो प्रोमो था बकवास का। तो आप लोग क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ लेट्स फॉर यू। एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर।